साथियों, आज हम लोगों की चर्चा का तीसरा दिन है। कल हम लोगों ने सांप्रदायिकता के सवाल पर चर्चा की थी और आज मैं बात रखूंगा सांप्रदायिकता और सत्याग्रह के ऊपर। तीन बातें मुझे खास तौर से करनी है। पहली बात, दंगाई सोच का प्रतिकार कैसे करें। दूसरा, दंगाइयों का अहिंसक प्रतिकार कैसे करें दंगे के वक्त। तीसरा, सरकार के गलत कानूनों का प्रतिकार कैसे करें। इसको सिलसिलेवार चर्चा करने के पहले मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि सांप्रदायिकता या फिर फिरकावारियत ऊपर से थोपी गई चीज़ है। इसका नियंत्रण भी ऊपर से होता है। पहले अंग्रेज हुकूमत और हिंदुस्तान का जो रूलिंग एलीट था, देसी रूलिंग एलीट, जमींदार, राजा महाराजा, नवाब, व्यापारी वगैरह, वो लोग थोपते थे। और आज हिंदुस्तान का जो रूलिंग एलीट है वो, और हिंदुस्तान का जो कॉरपोरेट वर्ग है वो थोप रहा है। दूसरी बात ये कि फिरकावारियत का एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड कैडर है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड। इसकी सबसे बड़ी विंग तो मिलिटेंट है, पीट पीट के मारने वालों की, गाली गलौज करने वालों की, धमकियां देने वालों की। दूसरा, इनका बहुत सारे थिंक टैंक हैं, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी इनके साथ जुड़े हैं। उनका थिंक टैंक है और योजना बनाते रहते हैं, पाठ्यक्रम में कैसे बदलें, इतिहास को कैसे तोड़े मरोड़ें वगैरह वगैरह, उनकी योजना चलती रहती है। एक इनका ऐसा नेटवर्क है जिसमें NRI भी शरीक है, बहुत बड़ी तादाद में, ख़ासतौर से अमेरिका और यूरोप मुल्कों में रहने वाले जो NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उसकी बहुत बड़ी परसेंटेज इससे जुड़ी हुई है, इस विचारधारा की है। और वो इनको एक्टिवली मदद करते हैं, चाहे वो सोने की ईंटें भेजने की बात हो, चाहे वो कोई मदद करने की बात हो। दूसरा, इनका एक बहुत बड़ी फ्रेटर्निटी है। जिस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इनके लोग होते हैं, जिस संस्था में इनके लोग होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे की तरक्की करते हैं, एक दूसरे को अपॉइंटमेंट करवाते हैं और बाकी लोगों को जलील कैसे किया जाए इसके बारे में मिलजुल के काम करते हैं। तो इन सब लोगों के लिए इस संगठन, इस दायरे से बाहर का हर आदमी एंटी नेशनल है। इस बात को आप गौर कर लें कि हमें चुनौती कितनी गंभीर है। इसके मद्देनज़र अब हम विचार करें कि सांप्रदायिकता का सोच किन चीज़ों पर टिका है और हम उसका प्रतिकार कैसे करें। सांप्रदायिकता हमारे जहनों में कई तरीके से डाली जाती है। इतिहास के जरिए तो डाली ही जाती है कि कुछ बादशाहों का जिक्र, औरंगजेब का या महमूद गजनवी का, ऐसे बादशाहों का जिक्र किया जाता है और उनकी इमेजेस मजदूरों पर थोपी जाती हैं, जैसे कि ये मजदूरी वो बादशाह हो जिनसे हमें बदला लेना है। गाय का मसला है, पाकिस्तान का सवाल है, बांग्लादेशी किसी को भी बता देने का सवाल है, कश्मीरी आतंकवाद का सवाल है, पार्टीशन का सवाल उठा के, जनसंख्या बढ़ रही है इनकी, यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह वगैरह। इस प्रकार के सवालों के जरिए हमारे दिमाग को कुंद किया जाता है। और ये सारी की सारी चीज़ें मुस्लिम अवाम से, जिनका कोई रिश्ता नहीं है, ना उनका रिश्ता पाकिस्तान से है, ना बांग्लादेश से है, ना उनका औरंगजेब से है, ना उनका पार्टीशन में कोई योगदान था, ना उनकी जनसंख्या की वृद्धि गरीब तबकों की जो होती है उससे भिन्न है, लेकिन ये सारा का सारा षड्यंत्र टिका हुआ है। और जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारे हिंदू समाज में भी जितनी जाति हैं सबके अपने अपने सिविल कोड हैं। तो आप जरा समझ लें इस बात को। सिविल कोड माने वो नहीं कि कागज पे क्या लिखा है, व्यवहारिक रूप में जो परंपराएं चल रही हैं समाज में वो जाति के आधार पर चल रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें थोपी गई इम्पोज्ड इमेजेस हैं जिनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें करना क्या है इनकी काट के लिए? हमारे लिए तीन एहसास जगाने हैं। पहला एहसास तो ये है कि मुल्क में 90% मुसलमान और 80% हिंदू मजदूर और किसान हैं, और मजदूर और किसान चाहे किसी धर्म के, हम देश का नहीं खाते, देश को खिलाते हैं। ये हमें एहसास रगों में बिठाना है ताकि हम इंसान को इंसान समझ सकें। अभी तो पर्दा पाट डाल रखा हमने कि तू हिंदू तू मुसलमान, जो किसके टैग है, सिर्फ एक ऊपर से लगा हुआ लेबल है।
दूसरी बात यह कि मजदूर और किसानों ने कभी भी धरती पर किसी मुल्क में कभी भी किसी कौम की का ना तो शोषण किया ना उनके लिए वो खतरनाक बनी। ये सारा का सारा खतरा फिरकावारियत या सांप्रदायिक उन्माद या शोषण दमन ये हमेशा रूलिंग क्लास करती है, रूलिंग लीड करता है सत्ता पे पहुंचने के बाद, और संपन्न वर्ग करता है, सत्ता में नहीं भी हो तो भी सत्ता को प्रभावित करता है और दंगाई संगठनों को मदद करके। तो ये तो फिनोमेना संपन्न वर्ग का है। तो हमें करना क्या है इसके लिए, हमें गांव-गांव में सत्याग्रही जत्थे खड़े करने हैं। पांच पांच ही लोग खड़े हो जाए तो बहुत है। गांधी जी ने नोआखाली में जाके तो इतनी कहा था, हमें गांव पीछे एक हिंदू एक मुसलमान मिल जाए जो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो दंगा रोकने के लिए, तो हम दंगे रोक लेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए गांव-गांव में पांच पांच सत्याग्रही चाहिए। वो किस करें क्या, वो लोग गांव में वर्कशॉप करें। इसका हमें तजुर्बा है, हम सद्भाव मिशन की तरफ से पिछले कई सालों में वर्कशॉप चला रहे हैं, गणित वर्कशॉप, साइंस पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, कभी कभी इतिहास और अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। किन के लिए, आम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और साल में एक वर्कशॉप हम करते हैं मदरसा टीचर्स के लिए। उससे हमारी आंखें खुल गई। हम दिल्ली में करते हैं, वो करीब 12-13 साल से कर रहे हैं, और हमें दो फायदे हुए। एक तो मदरसों में जो गणित पढ़ाने का तरीका है वो पुराने अंदाज का है कि भाई 20 तक के पहाड़े याद करा दो वगैरह वगैरह, तो उनको दिक्कत होती है बच्चों को समझने में। तो हमने कुछ तरीके निकाले आसान तरीके के, ताकि बच्चों के दिमाग पर बोझ ना पड़े और उनकी समझ बने। दूसरा हमें फ़ायदा शिक्षा इन लोगों से ये हुआ कि उनकी सरलता देख के, उनकी सच्चाई देख के हमारा घमंड कम हुआ। तो ये जो गलत धारणाएँ बना रखी है हमने मदरसा के बारे में, हमें एहसास हुआ कि हिंदुस्तान का ज़मीनी आदमी जो ईमान की रोटी खाता है, जो आदमी श्रम के जरिए बसर करता है, उसकी ज़हनियत कैसी होती है, वो ये है। और एक बात और कि असली इस्लाम हिंदुस्तान में बादशाहों के ज़रिए नहीं आया, असली इस्लाम हिंदुस्तान में सूफियों संतों के ज़रिए आया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से सिलसिला शुरू होता है और आज चलता है। और ये लोग भले ही सूफीज़म को ना पढ़ें, लेकिन इनके अखलाक में, इनके व्यवहार में वो चीज़ शामिल है। तो एक तो हमारे साथी जो सत्याग्रही बने वो गांव-गांव में हमारी जो सूफी संत परंपरा है उसको जिंदा करें, मिलजुल के रहने की जो घमंड पे काबू पाने की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको जिंदा करें, ऐसे वर्कशॉप करें, और गांव में रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, किसानों के सवालों पर उन आंदोलनों से जुड़ें। अगला सवाल है, दंगाइयों का अहिंसक प्रतिकार कैसे करें। ये बहुत खौफनाक बात है, मैं दो तरह पे आपके सामने रखता हूँ। 2002 में गुजरात की हिंसा हुई, गुजरात की हिंसा हुई तो उसके 12-13 दिन के बाद मैं और मेरे बहनोई साहब डॉक्टर अशोक शर्मा, हम दोनों गोथरा गए। गोथरा का एक कस्बा है कानोन, वहाँ पहुँचे, वहाँ शिविर लगा था, एक रिलीफ कैंप लगा था, उसमें 3,000 दंगा पीड़ित थे मुसलमान। तो जो हम जो सड़क पे चल रहे थे, इसमें हल्ला मच गया कि ये टोला आया। बड़े तादाद में जब कोई दंगा करने वालों का समूह आता, उसको टोला कहते हैं गुजरात में, टोला आया। एक मिनट को तो मैं दंग रहेगा कि मैं करूं क्या। फिर मैंने कहा चलते हैं, कहाँ से आ रहा टोला। तो बहुत हिम्मत करके उस तरफ गए जिस तरफ से टोला आने का खतरा था। पता लगा कि वो एक बैंक बंद हो गया था, इस वजह से लोगों को डर लगा कि शायद कोई टोला आ रहा है, इस वजह से बैंक बंद हुआ तो डर गए थे लोग, लेकिन टोला आ नहीं रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसी सूरत में हमारी ताकत ना के बराबर टोला का मुकाबला करने की। हमें पता था कि वहाँ की पुलिस ने उन दंगों में बिल्कुल निष्क्रियता की भूमिका निभाई, खामोश रहे, दंगा दंगा करते रहे, लेकिन फिर भी जब टोलों के हमले का अंदेशा होता है तो हमें उन पर डिपेंड करना पड़ता है। दूसरी घटना भी रिसेंटली दिल्ली में हिंसा हुई, ईस्ट दिल्ली में, उसमें 24-25 तारीख को घटना घटी। तो 25 तारीख को मैं उधर चला गया मौजपुर जाफराबाद के इलाके में, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन के पास भीड़ खड़ी थी, झंडे वंडे लगा रखे थे, कुछ भगवा रंग का झंडा था, एक तिरंगा झंडा भी उसमें लगा रखा था, और नारे लगा रहे थे मुसलमानों को, बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ, बहुत गंदी गालियाँ और आतंकित करने वाले नारे लगा रहे थे, हाथ में डंडे वंडे थे लोगों के। मैंने कोशिश की बातचीत करने की, मुझे तो किसी ने नहीं मारा पीटा न गाली की, लेकिन सुनने को तैयार नहीं थे। तब मुझे अपनी कमज़ोरी का एहसास हुआ
कि हमारी अहिंसा निकम्मी है अगर हम आम जनता को ऐसे दंगाई संगठनों या ऐसे दंगाई हुजूम से ना बचा सके तो। ये हमारे सामने चुनौती है, इसका रास्ता हमें तलाशना है। दूसरी बात, पुलिस और प्रशासन, पुलिस और प्रशासन चूंकि ऐसी सूरत में काबू पा सकते हैं और पाते ही हैं बड़े बड़े दंगों में, चाहे 1984 का दिल्ली का दंगा हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे बाकी 3-4 दिन की हिंसा के बाद फिर उनको बुलाया गया, पुलिस को, मिलिट्री को, उन्होंने काबू पाया। लेकिन खामोश रहे जब क्रिटिकल पीरियड था, तो हमारे लिए दंगाइयों का प्रतिकार करने के लिए इन संस्थाओं को मजबूत करना है सेकुलरिज्म की मानसिकता से, और गांव-गांव में हमें सत्याग्रही तो खड़े करने करने हैं। तीसरी बात, गलत कानून का के खिलाफ सत्याग्रह। सत्याग्रह की 3-4 बातें आप दिमाग में रख लें। ये आंदोलन सत्ता के खिलाफ हो, किसी आदमी के खिलाफ नहीं, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के खिलाफ नहीं, हमारा आंदोलन गलत कानून के खिलाफ हो। दूसरी बात, वो मुकम्मल तौर पर अहिंसक हो। तीसरी, उसमें धार्मिक नारे न लगे, ना उसमें बदजुबानी हो, किसी को गाली गलौज न किया जाए। और बड़ी बात कि जिस समुदाय के खिलाफ प्राइमरीली टारगेट करके कानून बनाए गए हों, या जिस कम्युनिटी के खिलाफ या जिस क्लास के खिलाफ, उनमें वो ताकत, उन्हीं की ताकत की बल पे उसका प्रतिकार किया जाए, भले ही वो तादाद में बहुत कम हो। और गांधी ने हमें सबक सिखाई है। और एक और बड़ी बात है सत्याग्रह के साथ, उसके साथ में रचनात्मक प्रोग्राम जुड़ जाए। जैसे गांधी ने नमक सत्याग्रह चलाया, नमक सत्याग्रह तो महीने भर चला, लेकिन रचनात्मक कार्यक्रम कई साल चले और उसका गहरा असर पड़ा। तो इसी तरीके से हमारे लिए फिरकावारियत के सवाल पर हमें बहुत तजवीज थी इस बात की कि हिंदुस्तान में कोई आंदोलन खड़ा हो, सत्याग्रह का आंदोलन खड़ा हो। फॉर्चुनेटली एक मसला खड़ा हुआ और नागरिकता के सवाल पे धर्म को जोड़ने की कोशिश की, सरकार ने कानून ले आया जो कि हमारी रगों में जहर उतारने के समान था। लेकिन उसके खिलाफ जिन लोगों ने प्रतिकार किया, उनके खिलाफ पुलिस ने डंडे बरसा दिए, उनके खिलाफ सरकार ने बड़े बड़े भयंकर बयान दिए। तो फिर लड़कियां खड़ी हो गई शाहीनबाग की, और 200 इस तरीके के तमाम धरने मुल्क में चले। ये मुकम्मल तरीके से गांधी जी के अहिंसा के और सत्याग्रह के असूलों पर कायम थे। वो तो अभी बंद हो गए क्योंकि ये लॉकडाउन चालू हो गया, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि उनमें बहुत बड़ी ताकत है। ये लड़कियाँ, लगभग 20,000 लड़कियों ने, तो मैं समझता हूँ दिल्ली में हिस्सा लिया, 24 धरने चल रहे थे, 20,000 लड़कियों ने उसमें हिस्सा लिया। ये हमारी अहिंसा की फौज है। और ये अकेली मुस्लिम लड़कियां नहीं, 20,000 मुस्लिम लड़कियों, कम से कम 50,000 हिंदू लड़कियां, उन्होंने बस्तियों में काम किया। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में अभी इंसानियत जिंदा है और हम फिरकावारियत का, सांप्रदायिकता का अहिंसक प्रतिकार कर लेंगे। दो बातें और चलते चलते मैं बता दूँ कि हमें छात्र आंदोलन से जुड़ना है, क्योंकि हमारा सत्याग्रह के साथ साथ जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको हमें सांप्रदायिकता के जहर से आज़ाद करना है, और किसान आंदोलन से जुड़ना है। किसान हमारे समाज की रीढ़ है और बहुत फकतहाल है, मंडी के शोषण का शिकार है, और वही सांप्रदायिकता का उद्गम है, वही मंडी, वही व्यापारी तबका। लिहाजा हमें किसानों को, छात्रों को साथ लेकर चलना है। अगर हमने ये कर लिया तो हम सांप्रदायिकता पर पार पा जाएंगे। यही आज के ज़माने का सत्याग्रह होगा मेरे ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया।